Very good morning to all of you guys. How are you? तो आज हम लोगों को क्या करना था बताओ. आज हम लोगों को क्या करना था? पिछली क्लास से स्टार्ट करें. सर स्टार्टेड द क्लास. स्टार्टेड द क्लास. यस आ जाओ भाई, अपना अपना डाउट लेके जल्दी करो, फटाफट फटाफट. मास्टर को थोड़ा थोड़ा स्पीड रखो. किसमें आ गए थे हम लोग? आ गए सब लोग? ठीक है, वेरी गुड. तो लिखिए. कुछ क्वेश्चन लेके करिए. आरएन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लें. इसमें मैंने बोला था आप वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, हल्का सा कॉन्सेप्ट्स का. ठीक है, कि दो वेक्टर का एडिशन है तो कैसे होगा, है ना? सिंपल, उसका रिजल्टेंट हो. मान लो एक वेक्टर है a1i + a2j + a3k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट a1² + a2² + a y² यही होगा. तो ये सारी चीजें आपको याद करने को बोली थी. ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा तो ये हम सही कर पाएंगे. आ गई कहानी समझ? आओ तो सबसे पहले नोट करो, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल. ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल मीन्स इधर से अगर ऐसे बारिश ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे आ रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन. इसको हम क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन. सपोज ये क्या है, अर्थ सरफेस. इसपे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा है और इसने अम्ब्रेला लिया हो और अम्ब्रेला ऐसे है. रफ स्केच बना लो अम्ब्रेला का कुछ ऐसे. मान लो ये अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला लगा थोड़ा. तो आपका डायग्राम अच्छा बनेगा, आप लोग आर्ट वगैरह अच्छा सीखे हुए होंगे. तो ये कोई ऑब्जर्वर है जिसका एक हाथ अम्ब्रेला को होल्ड की. बोलो बच्चों, अब ये जो मैन है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मैं ऐसे लिखा. समझ में आ रहा है? बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए. कैसे? रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो इसकी वेलोसिटी वी आर वेक्टर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन. ऑब्जर्वर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, और इधर मैंने ये मान रखा है सिंपल पूरे ऑब्जर्वेशन में मैं मानूंगा ये एक्स है और ये वाई है. बोलो बच्चों, कहानी आ गई थी और इस प्लेन से वर्टिकली अवे जेड एक्सिस होगी. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक और बात, इसको कहते हैं ग्राउंड. इसको क्या कह रहा हूं मैं? ग्राउंड. ठीक है, तो
अब एक और कहानी सुनो। अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैं अगर ये बोल दू, ये लाइन बोल दू, तो क्या लिखूंगी? थोड़ा सा आपको अब आइडिया हो गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा आप लिख पाओगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हम लोग वी आर एम लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, वी आर एम लिख सकते हैं क्या? थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार। तो इसको कैसे लिख ले? वी आर माइनस वी एम। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है, ठीक है, फालतू का इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है बच्चों। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब इसमें ये अगर पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यही होगा वी आर माइनस वी एम, यही होगा। अब इसे शो अगर करना हो, इसे अगर शो करना हो तो कैसे शो करेंगे? ट्रायंगल वाला मेथड से, वेक्टर के ट्रायंगल मेथड से। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और हमको कुछ ऐसा रिजल्टेंट लिखना है जिसमें इन दो वेक्टर का समेशन हो लेकिन वीएम का साइन नेगेटिव हो। देखो, एक वीएम का समेशन है प्लस वीएम का माइनस के साथ समेशन, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वीआरएम आएगा। ये पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है बच्चों। तो इसको ट्रायंगल वाले रूल से हम थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जरा, तो इसमें क्या कर रहा हूं, मान लो हमको रिजल्टेंट ये चाहिए, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसमें करना क्या है कि वी आर मिल जाए और माइनस वी एम मिल जाए, तो दोनों का समेशन ये रिजल्टेंट दे देगा। अरे ये कहानी समझ, बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो है ही क्या, वी आर है ना, लेकिन वी एम की डायरेक्शन इधर है, तो क्या हम इसको माइनस वी एम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस वी एम ऐसे, तो ये जो रिजल्टेंट होगा यही वी आर एम होगा और ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल क्या मान लो थीटा। हाँ, तो थोड़ी इसमें और बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी रेन की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, अगर मैन के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में इस रेन की जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ देखो, यहाँ से टेन थीटा निकाल लो, वर्टिकल से हमने मान लिया वी आर एम की डायरेक्शन थीटा डिग्री पे, तो इसमें टेन थीटा क्या होगा बोलो, टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो इसमें लिख दो टेन थीटा, ये डिस्टेंस की बात चलेगी, ये लेंथ की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है वी एम अपॉन वी आर, ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया किसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री पे ऐसे टिल्टेड सी आएगी। आ रही है कहानी समझ, बोलो आएगी है ना? अगर ये वाला रेस्ट पे होता
तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आता, लेकिन ये चल रहा है, ये क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर मैं अभी पूछ लूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आंसर क्या हो, बोलो, संभव बताना, संभव इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो बच्चे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये संभव बताएगा, प्रेजेंट हो तुम बोलो जल्दी, यार पता नहीं कहां चला जाते हैं ये लोग, सोते रहते हो क्या यार तुम लोग, मैं बोल रहा हूं कि आंसर बोलो भाई, गलत या सही कुछ बोलोगे जब भी तो समझा पाऊंगा मैं, अब यहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, चलो नेक्स्ट, लोगों ग्रुप बनाने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, ना कोई क्वेश्चन पूछते हो कभी, ना कुछ भी पूछते हो, ये श्रिया ने आंसर सही दे दिया, श्रिया वेरी गुड आंसर, ठीक है श्रिया का आंसर सही है, तो फाइनली जो उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्वर को दिखेगी की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी, ठीक है, अभी ऑब्जर्वर ने अम्ब्रेला पकड़ा था तो ये अम्ब्रेला वर्टिकल से थीटा पे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये उसका अम्ब्रेला है, ठीक है समझ आ रहा है, तो उसको जो बारिश दिखेगी वो वर्टिकल से कैसे दिखेगी, ऐसे थीटा बारिश की ऐसे दिखेगी, बोलो समझ आया भाई, नेटवर्क इस कैसे आ रहा है, हर बात का रिस्पांस तो आप दे रहे हो, तो नेटवर्क कैसे इश्यू माना जाए, बस आंसर देने में आपका नेटवर्क खराब रहेगा है ना, और बाकी सब चीजों के लिए पेपर सबमिशन क्वेश्चन पुट करना होगा तो फिर सही रहता है, ठीक है, तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए, थोड़ा प्रॉम्प्ट रहा करो इसमें है ना, अब आओ चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ इससे रिलेटेड, तो चलो एक क्वेश्चन लेके करेंगे तब आएगा समझ, सपोज एक कोई ग्राउंड पे ऐसे एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसने क्या किया कि अम्ब्रेला को ऐसे अपने बॉडी से कुछ ऐसे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है कि उसे है ना ऐसे, एक पर्सन के बॉडी से अम्ब्रेला ऐसे कनेक्टेड है उससे बॉडी से, बोलो ये डायग्राम क्लियर है क्या, ठीक है, और बोला क्या जा रहा है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड विद एन अम्ब्रेला हेड शो, सडनली रेनफॉल स्टार्ट एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 विद द वर्टिकल, अब अचानक से क्या हुआ कि ये वर्टिकल है और यहां से 30 डिग्री पे ऐसे बारिश हो गई स्टार्ट, बारिश स्टार्ट हो, ठीक है, मैन कैसे है यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ा था, सिंपल बोलो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं, find the speed and direction in which man should start running so as to save
से। अब ऐसे वो खड़ा था, मान लो तुम ऐसे खड़े है ना ऐसे, और अचानक से वर्टिकल से 30 डिग्री पे ऐसे बारिश की बूंदे आने लगे, तो आपको भीगने के चांसेस है। तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और किस स्पीड से कि आप बच जाओ। अब बचने का मतलब क्या है कि अम्ब्रेला के ऊपर अगर पूरा ऐसे वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड उसके सरफेस पे आए तो आप बच सकते हो, लेकिन ये इंक्लाइंड आ रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री, तो इसको थोड़ा समझना है। पहले देखो, पहले ये इसमें था, रेस्ट में था, ये वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड रेन की, तो वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। पहली बार समझो इसे, आगे बात समझ ठीक है। अच्छा एक और बात है कि ये कैसे पता लगाओगे कि किस डायरेक्शन में वो मूव करे कि बच पाए। इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो क्या है लिखिए, उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा जिधर वी आर एम डिक्रीजिंग, मींस कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिक्रीजिंग हो। Velocity of rain with respect to man, जिधर कम हो, जाने में जिधर कम हो, ठीक है, तो कम किधर होगा जाने, सोच के बताओ बच्चों। V R M मतलब velocity of rain with respect to man होगा क्या, V R minus V M, ये होगा। अरे बोलो जल्दी, बोलो बोलो बच्चे। तो वी एम अगर आपको लिखना हो तो यहां से वी एम क्या लिखोगे, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो वी आर माइनस वी आर एम। बोलो कुछ बच्चों समझ आ रही है कहानी। तो इस वाले केस में इसे कम होने के लिए, वी आर की वैल्यू कम होने के लिए Vn की वैल्यू, देख रहे हो इस कहानी में Vn की वैल्यू किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वो थोड़ा देख लो, मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट, समझो जरा इसे, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, कि अगर ऐसे बारिश हो रही है और हम ऐसे जाएंगे तो, और हमारे फेस की डायरेक्शन में बारिश का डायरेक्शन होगा, तो ये कॉमन सेंस क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड पे अगर मूव करोगे इसके इसी डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका जो वी आर एम का रिजल्टेंट है, देख रहे हो वी आर एम के रिजल्टेंट को क्या करना है, मिनिमाइज करना। तो इसको मिनिमाइज करा कैसे जा सकता है वो जरा कहानी में तुम्हें समझा देता हूँ। पहले तो ये समझो, पहले तो एक बात देख लो, velocity of man, velocity of man अगर इस direction में है, देख रहे हो मैंने ऐसे कर दिया, इस direction में velocity of man, ठीक, थोड़ा सोच के बता लो, थोड़ा सोच के बता लो कि अगर velocity of man, ये वाला हमने equation लिखा Vm is equal to Vr minus VRM, तो ये इक्वेशन लिखने के लिए हम रेन लॉ यूज करना होगा, वो जरा देखो। तो एक वेलोसिटी मैंने तो VM इधर मान लिया है ना, अच्छा तो मुझे क्या चाहिए, VRM जो हो, VRM तो VRM जो हमें कैलकुलेट करना है, उसकी डायरेक्शन अगर हम क्या कर दें अपोजिट, उसकी डायरेक्शन हम क्या कर दें अगर अपोजिट, पहले तो देखो ये नीचे आ रही है, इसका ये वाली वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली कुछ नीचे की डायरेक्शन में है, समझ आ रहा है, तो इसको अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में कर देंगे तो माइनस वी आर एम हम लिख सकते हैं, माइनस वी आर एम
हम लिख सकते हैं, तो बाहर में देखो कैसे है, तो माइनस वी आर एम हम लिख दिए ऐसे, माइनस वी आर एम, ये हो गया माइनस वी आर एम। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान रखो, ये जो रिजल्टेंट होगा यही क्या होगा, वी आर, ये रिजल्टेंट क्या हो, वी आर, थोड़ा सोच के बता लो, है ना, अब इस डायरेक्शन में है, देख रहे हो, तो एक तो ऐसे आया फिर ऐसे आया, वी एन क्या है यहाँ पे, ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरा यहाँ समझने वाली बात है, वी आर वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी आर एन वेक्टर, यहाँ बोलो इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो अब होता क्या है, वी आर वेक्टर में अगर माइनस वी आर एम वेक्टर ऐड कर दे, माइनस वी आर एम वेक्टर ऐड कर दे, अब ये कौन सी है डायरेक्शन, वर्टिकल, और ये क्या था थीटा, तो यही हमको वेलोसिटी ऑफ रे पहले से वी आर ऐसे दिया, ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वो क्या आएगा, velocity of rain minus velocity of rain with respect to man, ये तो है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो हो सकता है एक बार में समझ ना आ रहा, परेशान बिल्कुल ही हो गए, बोलो बच्चों, तो ये वाली बात समझ आ गई, ये direction, तो इसी equation से velocity of man क्या लिखा जा सकता है, बोलो जरा सोच के बताना, यहां से देखो वी आर, वी आर क्या साइन थीटा या कॉस थीटा, सोच के बताओ, देखो वी, वी आर का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एक इधर कंपोनेंट होगा वी आर कॉस 30, और एक इधर कंपोनेंट होगा वी आर साइन 30, अब वेलोसिटी ऑफ मैन भी इधर मैंने माना हुआ, कोई बात नहीं, अब इधर मान लो चाहे इधर, वो साइन डिफरेंट है, तो वी आर को, वी आर साइन थीटा को हम वी एम लिख सकते हैं, और वी आर की वैल्यू कितनी दी रहती है 20, साइन 30 मींस थीटा मींस 30, साइन 30 1/2, आंसर क्या इसका आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकंड अगर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो सही होगा भैया, कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा, देखो यहाँ देखो इस ट्रायंगल से कोरिलेट करो, ये वी आर है तो इधर क्या होगा वी कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा वी आर साइन थीटा, लेकिन बोलो तो साइन होगा कॉस नहीं होगा, संभव, गलत मत बताओ, ठीक है, और एक क्वेश्चन और देंगे, जितना इसमें आप क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में बोलो कुछ और समझाना है क्या किसी को भी, ये क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, ये डाटा चेंज कर करके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार बार, इसको कहते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, इक्वेशन और चलो, तो ये डायग्राम वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इक्वेशन को इंपॉर्टेंट बुलाया गया, ये क्या है, ये एक प्लेन सरफेस, ऐसे बना लो एक प्लेन सरफेस, फिर इस पे एक ऐसे कुछ ट्रक टाइप का बना लो, ठीक, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ बना लो, ऐसे,
ये कहानी थोड़ी आ रही है समझ, एक ट्रक है ऐसे जा रहा है। ठीक, तो आओ हम बात करें, जहां बी टी लिखा है तो ये लिख लेना वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है ट्रक है कि नहीं। अच्छा, इसमें कुछ डाइमेंशंस दी हुई, ये हाइट दी हुई है 3 मीटर, हाँ जी ठीक, हाइट दी हुई है 2 मीटर और ये लेंथ दी हुई है 3 मीटर, ठीक है कौन सी ये बात, कम रहना चाहिए ना, ये ज्यादा हो जाएगा। ये डायमेंशन में आपको दिया हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें क्या इमेजिन, ये हाइट 2 मीटर, ये इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, पहले तो ये डायग्राम बना दो। तो बैक साइड पे इधर कॉटन रखा है, क्या रखा है कॉटन, ठीक है क्या रखा है कॉटन, और होने लगी बारिश, होने लगी बारिश। तो देखो a truck shown in figure is standing on horizontal road, at its back there are some cotton bags placed as shown in the figure, they start falling in vertical direction at 10 meter per second, find the velocity at which truck should move so that cotton bags will not get wet। अब अचानक से बारिश हो रही है वर्टिकल, ये बारिश की बूंदे रेन ड्रॉप्स, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से बारिश होने लगी। सुनो, इतने से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये पूछा जा रहा है कि किस वेलोसिटी से ट्रक जाए, कि कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल, अब तुम्हें याद है पिछले फर्स्ट वाला केस जो बताया था कि वर्टिकल मान लो रेन हो रही है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट होगी वो थीटा डिग्री पे ऐसे इंक्लाइंड रिजल्टेंट आती है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, तो किस स्पीड से जाए कि बारिश कुछ ऐसे पड़े, और ऐसे पड़ेगी तो ये वाली चीज भीगेगी नहीं, और बारिश मान लो ऐसे पड़ेगी तो थोड़ी भीगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला शैडो है इसका, ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, चलो अब इसमें वही वाला मान लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है v t, वेलोसिटी कितनी है v t, तो एक चीज देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ही आनी चाहिए ऐसे। अब कितनी होगी वी आर माइनस बी टी, कहानी में आओ आगे। अच्छा, तो नीचे वेलोसिटी कितनी है वी आर, समझ गए कहानी, आओ। अच्छा हमें क्या चाहिए इसमें, देखो दो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, देखो कुछ भी टफ नहीं है, ऐसा लिखे और इसको ट्रायंगल फॉर्म में बना, फॉर्म में कैसे बनाते हैं ये देखो, एक वेक्टर वी आर और प्लस ऑफ माइनस पी टी दूसरा वेक्टर, प्लस ऑफ माइनस पी टी सेकेंड वेक्टर, तो वी टी की डायरेक्शन तो इधर मान लिया है मैंने भाई, बैक तो चलेगा ऐसे चलेगा, और हमको चाहिए माइनस पी टी, तो क्या इस डायरेक्शन में वी टी को माइनस वी टी लिखा जा सकता है, आंसर है यस, तो ऐसे लिख दो, क्या है माइनस वी टी, वही यही तो है। अब रिजल्टेंट को वी आर टी करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ये वी आर टी होगा, ये बात भी सही है, और यही वाला एंगल है थीटा, यही वाला एंगल क्या है थीटा। अब मजेदार बात ये है कि इसमें दो डायमेंशन दी हुई है, टेन थीटा की वैल्यू
बोलो ये अगर थीटा है तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी, इसीलिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस थ्री वन। सोचो इमेजिन करो, बोलोगे नहीं तो मैं यही हूं, बोलो तो इसमें टेन थीटा इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जल्दी बताना जरा। Vt by Vr, कोई पूछ रहा है क्यों नहीं कि माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ टू साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, आर यू गेटिंग मी, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द माइनस साइन विद द Vt कंपोनेंट। ओके, और टेन थीटा की वैल्यू यहां से लिया 3/2, आंसर आ चुका। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, तो वेलोसिटी ऑफ होगा 3/2 इनटू वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज 3/2 इनटू 10, दैट इज 2/5 10 इज 15 मीटर पर सेकेंड। कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में ट्रक की स्पीड होगी अगर 15 मीटर पर सेकेंड, तो कॉटन उसके पीछे जो रखा है वो नहीं भीगेगा। क्लियर? किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। कुछ आया समझ हल्का हल्का? और क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अगर वेक्टर का ट्रायंगल आपको आता है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, तो बस आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन और लिखने सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार तुम लोग सॉल्व करो, मैं नहीं करूंगा। फटाफट फटाफट, ठीक है। तो एक कुछ टैंक टाइप की कहानी है इस बार, ऐसे बेस है, इस पे टैंक है, टैंक क्या है, टैंक टैंक का रफ डायग्राम है। तो ये क्या कह रहा है जरा समझना है इसे। तो जो ये वेलोसिटी ऑफ टॉप है, टैंक है इस डायरेक्शन में, तो अब इसको मैं कैन बोल दूं, टैंक बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, आप समझते रहना कि इधर से ये फायर करेगा गोले, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अ पाइप विच कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, और ये जो पाइप है ना, ये वाला, ये पूरा वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकता है, इसमें कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करके कहीं भी फायर कर सकता है, समझ गए। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में जिस बेस पे ये रखा है कार्टून, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। और सुनो, द कार ट्रेवल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल पैथ 2 मीटर पर सेकंड एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल alpha to the horizontal the pipe to be placed so that raindrops moves parallel to the wall of pipe if rain is falling vertically at 6 meter per second. यहाँ भी बारिश हो रही है, vertical ऐसे बारिश हो रही है, इस velocity से 6 meter per second से velocity of rain vertical, ठीक है।
अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल से जो अल्फा है, ये कितने डिग्री पे रखें कि जो रेन आए वो पाइप के पैरेलल आए। समझ में आ गई? जैसे रेन अगर ऐसे आ रही है तो पाइप एकदम सीधा रहे, रेन अगर कुछ थीटा डिग्री पे आ रही है तो उसी थीटा डिग्री पे रहेगी, तभी उसके पैरेलल पाइप में एंट्री ले पाएगी रेन। समझ गए? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है बोलो? अल्फा, अल्फा कैलकुलेट करना है टू बी रेन ड्रॉप पैरेलल इनटू द पाइप। आर यू गेटिंग मी? सिमिलर क्वेश्चन है एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। जरा अटेंड करो, एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर ट्रायंगल बना लोगे तो एक लाइन में बता सकते हो। फिर से वही टेन अल्फा वाला कहानी है। देखें कौन सॉल्व करता है फास्ट, रखो थोड़ी स्पीड फास्ट। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। कैप है एक आदमी की, एक आदमी है उसकी कैप है, ठीक है, एक आदमी है उसकी एक कैप है। आंसर क्या बता रहे हैं लोग? 60 डिग्री। और बनता रहा है तो क्या बोला जा रहा है कि उसके फेस से ये जो डिस्टेंस है वो, और ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों मेंशन कितनी, ये है 6 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ में? ठीक है, 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? इसके फेस से ये लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो एक्स्ट्रा निकली हुई है फेस से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनो। अ मैन वेयरिंग अ हैट ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ 12 सेंटीमीटर इज रनिंग इन रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। अब रेन यहाँ पे फॉल कर रही है वर्टिकली डाउन, ठीक है। वी आर यहाँ कितना है, यहाँ फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद विच द मैन कैन रन सो दैट रेन ड्रॉप्स डज नॉट फॉल ऑन हिज फेस एज शोन। अब इस स्पीड से दौड़े कि इसका फेस ढका रह जाए बारिश से। देखो वैसे अगर ये दौड़ने की बात है, ठीक है, तो अभी दौड़ नहीं रहा है तब तक तो भीगी गए, ठीक है। वो कह रहा है दौड़ना भी है तो कम से कम किस स्पीड से दौड़े कि वो ना भीग पाए, वो ना भीग पाए। सिमिलर तो ये वाला थीटा की बात चलेगी, ये दो डायमेंशन ली हुई बोलो, तो इसकी वेलोसिटी मान लेना, वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो बात, वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देता हूँ। वो देखो 60 डिग्री आ रहा है इन लोगों का, और किसी का हाँ
हाँ भाई, और किसी के कुछ आया? कुछ नहीं आया अभी। चलो तो वर्टिकल 6 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू कार, ये निकालना है। तो क्या होगा? वी आर माइनस वी सी, वी आर माइनस वी सी, और वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, वी आर तो डाउनवर्ड ही है, वी सी इधर है, तो इधर अगर लिखना होगा तो माइनस वी सी। क्यों भाई ऐसा मैं इधर क्यों कर रहा हूं, इधर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके इस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? पैरेलल होने के लिए मैंने ये रिजल्टेंट लगा दिया, और यही एंगल क्या है? सोचो ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल है ना इस ट्रायंगल में, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, तो यही होगा वी आर सी। यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट? टेन थीटा इज कमिंग एज थ्री। हाँ, श्रेया का आंसर सही है, वेल डन। टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री आएगा, वेरी गुड। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू। अरे परेशान क्यों रहे हो, ऑप्शन ऐसे ही आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स वन बाई थ्री, टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, ऐसे आएगा, ठीक है? परेशान ना, ये वैल्यू करेक्ट है तुम्हारा जो तुमने कैलकुलेट किया। चलो इसका मतलब तू सीख गए, यही सिखाना था और कोई बात नहीं। कहानी में तुम लोग वापस, तो इसमें बताओ टेन अल्फा क्या लिखो? टेन अल्फा जल्दी बोलो, वी सी अपॉन वी आर, वी सी की वैल्यू दी है क्या? कितनी बोलो, वी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? अरे वी आर बाई वी सी होगा ना, उल्टा लिखवा दिया तुम, वी आर बाई वी सी 6/2 3 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 आंसर है। श्रेया का सही था, वेल डन। भैया 90 कैसे आएगा यार, 6/2 कितना आएगा? 3, तो 10 इनवर्स 3 की वैल्यू 90 आएगी। गलत है, अल्फा होगा 10 इनवर्स 3। हाँ जी बोलो, समझ आ गई कहानी? ऐसे सॉल्व करना रहेगा, कर देना सॉल्व, बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये। ये देखो भाई साहब, एक कैप लगाए थे उनका पैनल थोड़ा सही, चलो सिमिलर क्वेश्चन है, कोई नहीं, श्रेया ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती है तू, ठीक है? कर सारे लोग सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत नहीं था, सही था, इसलिए बोल रहा हूँ। जल्दी करो तू, जरा इसे सॉल्व करो। फिर इसे सॉल्व कर लो कि तो अगला कंडीशन पड़ा हुआ है। कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल इन स्पेस, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल इन स्पेस, ये कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कोई वो आ रहा है, कोई एस्ट्रॉइड है, मीटियोर्स है ना, ये होते हैं जो टकराने के लिए आते हैं प्लैनेट्स वगैरह से। तो स्पेस में दो प्लैनेट्स या कोई एस्ट्रॉइड्स टकरा रहे हैं, तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो हम किस वेलोसिटी से जाएं, है ना, या इधर हम जिस प्लैनेट पे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी रखें, या उसकी वेलोसिटी तो हम रख ही नहीं सकते, वहां से जो लॉन्च करेंगे उसे फोड़ने के लिए वो किस एंगल पे फोड़े, ठीक है, कि उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आए, ये सारी कहानी समझने के लिए, या वैसे भी, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो जल्दी से।
तो फिर से इसमें क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रे माइनस मैन सिमिलर कर रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा मैं कर देता हूँ जल्दी से, तो इसकी वेलोसिटी तो उधर की रेड ट्रायंगल बना है ठीक, इसको क्या करो वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, और रेन की अपोजिट करेंगे क्योंकि हमें ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो माइनस की ये एंगल देखो, अब ये एंगल पता है ये है 12 और ये है 16, यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू 10 थीटा कितना बोलो भाई, 12 बाय 16 मतलब 3 बाय 4, तो Vn इज इक्वल टू 3 बाय 4 इंटू क्या Vr, और Vr की वैल्यू दी हुई है 10, तो इंटू 10 टू फिफ्जा और टू टूजा 7.5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये दौड़ेगा तो उसका फेस नहीं भीगेगा, नहीं नहीं इट विल बी 7.5 मींस की कितना 7.5 कैसे आया 15 by 2 12 by 16 ये तो रखोगे इसमें 10 थीटा Vm by Vr is equal to कितना 12 by 16 एक पता है एक निकालना है बताओ क्लियर क्लियर और मान लो स्पेस में दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही मैं समझाता हूं, अब वो देखो कैसे समझोगे, इट इज द डायग्राम द बेस इज टेकन एज 12 तो ठीक तो है, उसमें क्या है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो 12 बाई 16 ही तो है Vm बाई Vr, Vm बाई Vr 12 बाई 16 ही तो होगा, बेस वर्टिकल से थीटा, अच्छा ये हमें एंगल देना वर्टिकल से थीटा, समझ गए ये एंगल देना वर्टिकल से थीटा, अब ठीक है तो ये एंगल पता है भाई, वर्टिकल से थीटा बोला गया था ना, वर्टिकल से कितने डिग्री पे ठीक, तो ये कंफ्यूजन था, आओ अब हो जाएगा वर्टिकल से थीटा ठीक है, और ये वाला पान से तो वो क्या रहा है, ये एक पॉइंट है सपोज कि कितना ए, ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है वी ए मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन वी ए मीटर पर सेकेंड ठीक, और बी की वेलोसिटी मान ले कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे जो यहाँ ले, एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये, इसका नाम बी है, अब बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
कितनी वी बी मान लो वेलोसिटी ऑफ बी वी बी मीटर पर सेकंड। आगे का अभी पहले तो मैं इसको मान लेता हूं, अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए किसी एक को हम रेस्ट पे मानेंगे, ठीक है। अब वो देखो कैसे, एक तो ये लाइन देख लो दिखाई गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू बी को कुछ मान लो, एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो कभी ना कभी तो टकराएगा नहीं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा बी ए बी बी पे, ठीक है। एक लाइन पे है तो टकरा भी सकते हैं, वो केस पूछी जा सकती है। तो कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर पूछा जाए तो बी ए माइनस बी बी होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा जाए तो बी ए माइनस बी बी होगा। बोलो तो हम क्या करेंगे, वी कंसीडर B at rest, B को rest पे consider करेंगे, B को किस पे consider करेंगे, rest पे। अब ये बात जरा समझो, B को rest पे consider करने वाली बात समझो जरा, अब वो जरा देख लो। अब इसमें है कि A hit to B, its relative velocity with respect to B must be directed along the line joining AB, जो AB की direction में A से B को जो connect करने वाली line है उसके along ही होना चाहिए। अगर A B को hit करे तो उसके लिए इसकी relative velocity, जो relative velocity of A with respect to B है, ए बी के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होना चाहिए। समझ आ गई कहानी, ए बी के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी जो लिखा है इसकी बात, ठीक है। मतलब कि ए बी जो है, बी ए बी की डायरेक्शन बी ए बी में लिख दिया, टकराने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमेशा अगर मान लो बी यहां आ जाए तो ए की वेलोसिटी एकदम इसको पॉइंटेड रहना चाहिए, उसी की ओर रहना चाहिए, तभी तो टकराएगा किसी न किसी टाइम। समझ आ रहा है, बोर्ड इज नॉट क्लियर, ऐसा क्यों भाई, बोर्ड तो क्लियर ना चाहिए, अपना कनेक्शन थोड़ा वो कर लो रिफ्रेश, तुम लोग यहाँ सब ठीक चल रहा है तो एक चीज समझ में आ जाना चाहिए क्या भाई, कि फॉर नॉर्मेलिटी फॉर ए हिट टू बी इट्स रिलेटिव वेलोसिटी, its relative velocity, its relative velocity means ki VAB should be along line joining AB, hai na, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक पार्टिकल है ए, इसकी इधर वेलोसिटी बी ए है, और ये एक पार्टिकल है बी, इसकी एक वेलोसिटी इधर है, तब दोनों अलग अलग एंगल पे हैं यहां से देख रहे, तो ये दोनों, ये वाला इससे टकराएगा कभी, इसके लिए क्या होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो होगी वो इसी के लाइन ज्वाइनिंग पे होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी टकराएगा नहीं, कभी भी नहीं टकराए। अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए वही ट्रायंगल ना लगा दें, ये देखो एक इधर को था एक इधर को था,
यही था। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बी का वेक्टर तो ऐसे पता है, एक ये वाली डीबी वेलोसिटी को, यहाँ देखो इस वाले को मैं ट्रायंगल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस वेलोसिटी को वी बी, तो इसके अपोजिट अगर एक ऐसे कर देंगे तो यही माइनस वी बी है, यहाँ से बी ए बी निकल गया, इसको मैंने ट्रायंगल फॉर्म में लिख दिया। कहानी समझ आ गई? तो वैसे नहीं समझ आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे तब आएगी समझ, तब समझ आएगी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक साथ कहानी सुन लो, ये सपोज है क्या है अर्थ, अब अर्थ की वेलोसिटी कहीं ऐसे है, ठीक है, अर्थ की वेलोसिटी कहीं ऐसे है, और एक कोई मान लो कॉमेट है, वही कॉमेट आ रहा है ऐसे इस वेलोसिटी से अर्थ से टकराने के लिए, वेलोसिटी ऑफ कॉमेट, देख रहे हो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी में आएगा, वेलोसिटी ऑफ कॉमेट ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये क्या है कॉमेट, ये इससे टकराएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू कॉमेट या वेलोसिटी ऑफ कॉमेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ कॉमेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो क्या करोगे, वी सी माइनस वी ई, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, VC माइनस VE। तो देखो कहानी क्या है कि अर्थ मान लो कहीं इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, है ना, अच्छा, अब इस वाले की कोई डायरेक्शन मान लो इधर थी ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं इधर टकराएंगे, इस वाले पॉइंट पे कहीं टकराने को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ कॉमेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ठीक, तो वो एक ट्रायंगल लॉ से डिफाइन करेंगे उसे, ठीक है, ट्रायंगल लॉ से डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसी को हमें ट्रायंगल फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे अब ये वाली वेलोसिटी ऑफ कॉमेट विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, बोलो, अब वेलोसिटी ऑफ अर्थ इस डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी ऑफ कॉमेट है, तो मान लिया हमने ये वेलोसिटी ऑफ कॉमेट, अब हमको क्या चाहिए माइनस की, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ इधर प्लस है तो इधर माइनस हो, और वैसे भी ये ट्रायंगल लॉ कहता है कि इधर माइनस की ही लगा, समझ गए, तो हम ऐसे इसे वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग अगर वेलोसिटी दी रहेगी, एंगल ऑफ मूवमेंट दिया रहेगा, तो हम इस तरीके से एयर में पार्टिकल के टकराने को भी रिलेटिवली रीड कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही आसान बात है, अगर वेक्टर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इक्वेशन में दे देता हूँ एज अ होमवर्क, आप करोगे और उसके बाद आप असाइनमेंट सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन इसमें मैं अगली क्लास में लिखूंगा। तो लिखो, अ कार इज गोइंग टुवर्ड्स ई स्टेट 8 मीटर पर सेकेंड,
होमवर्क है। एक कार है वो इधर जा रही है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये क्या है पिस्ट, ये क्या है कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार। टू द पैसेंजर इन द कार अ ट्रेन अपीयर्स टू मूविंग टू बी मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 15 मीटर पर सेकेंड। अब कार में जो पैसेंजर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है कार, ऐसे ही है कार, तो इसमें जो पैसेंजर है उसको जो ट्रेन दिख रही है, ठीक है, appears to be moving in north direction at 15 meter per second. तो एक तो ऐसे बना है, east कार के अंदर जो बैठा हुआ observer है, और ये connection weak तो नहीं ना हो रहा, ठीक है, अब सही है, है ना? Find the actual velocity of train. Actual velocity of train. Question एक बार फिर से सुनो। East की direction में 8 meter per second से क्या जा रहे हैं? कार के अंदर है जो observer, उसे उसके side में एक ट्रैक है, या इसे दिखाई दे रहे हैं जो ट्रैक है, इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसा उसे लग रहा है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, किसकी, ट्रेन की। आज इतना ही।